गाइस, शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पूरे एरिया को पेंट। पहले वाली पार्ट वन देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी यार उसमें। वेट, मेहनत नहीं, मजदूरी लगी थी यार। बट एनीवे यार, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ये वॉल मुझे पेंट करनी है, बट बिकॉज ये वाली वॉल का सामान खराब होता इसीलिए मैंने सब कुछ हटा दिया। बट बिकॉज दिवाली है यार, मैं रूखा सूखा नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे डेकोर कर दिया है सिर्फ अभी के लिए गाइज। बट आई एम नर्वस एज वेल, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है, यू गाइज ऑलरेडी नो इट। तो फटाफट आप स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, लेट्स टॉक। तो यार सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दूंगी रफ स्केच के साथ। यहाँ पे बहुत ही बेसिक नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी पेंसिल का यूज करके हल्के हाथों से जो भी मुझे बनाना है मैं रफ स्केच बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और भाई लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या तो सजेशन दिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा ही आ गया, मतलब क्या ही बोलूंगा। यार इसी के साथ साथ मेरे पास सारी सामग्री है, पेंट ब्रश है, रोलर है, मेजरिंग टेप है, पेंसिल है एंड व्हाइट कलर का वॉल पेंट भी है। बट एक सैड बात बताओ, जो मैंने लास्ट टाइम पिंक कलर बनाया था देखो वो कितनी बुरी तरीके से सूख चुका है यार। यकीज़। देखो यार ये सब तो चलता रहेगा, मैं सबसे पहले अपनी ज्वेलरी निकाल देती हूँ क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने देगी। एंड फटाफट मैं वापस से अपने कलर्स बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मेरा प्लान ये है कि मैं व्हाइट कलर के अलावा कोई और वॉल पेंट यूज नहीं करूंगी, मैं सारे एक्रेलिक कलर्स को यूज करूंगी, मिक्स करूंगी इसी व्हाइट पेंट के साथ एंड जुगाड़ कर लूंगी। सो दैट इज माई जुगाड़ गाइज। Okay guys, so this is what I have done till now and of course I'm sure आपको थोड़ा सा तो हिंट हो गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पे। So अभी मेरा प्लान है कुछ फ्लोरल सा, एस्थेटिक सा बनाने का, बट एक ट्विस्ट के साथ। जो ट्विस्ट है वो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इस डार्क पिंक शेड को जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना से करते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस है काफी ज्यादा आसान। गाइस सो दिस इज द अपडेट, मैंने तीन पत्तियां पिंक कलर की बना दी हैं एंड अब होगा मेन काम शुरू। ओके सो मैंने ले लिया अपना नया डब्बा जिसमें मैं नया कलर बनाने वाली हूँ एंड द प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम। मैं थोड़ा सा व्हाइट वॉल पेंट लूंगी एंड उसमें पानी मिक्स करूंगी एंड उसमें अपने एक्रेलिक पेंट्स को यूज करूंगी। सो इस बार मैं ब्लू एंड येलो कलर को मिक्स करके अतरंगी सा रंग बना रही हूँ। यम्मी, दिस लुक्स डिलीशियस। बट यार इस टेस्टी पेंट को डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले मैं सबसे पहले रफ स्केच बनाऊंगी, क्योंकि गलती से भी गलती नहीं करनी है यार हमें। तो बस मैं फटाफट अपना रफ स्केच कंप्लीट करूंगी एंड वंस दैट इज डन मैं इस डिलीशियस और यमी कलर को फाइनली अप्लाई करना, पेंट करना स्टार्ट कर दूंगी। एंड मैं बता नहीं सकती मैं कितनी नर्वस हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैंने पहले कभी भी वॉल आर्ट ट्राई नहीं किया हुआ है एंड ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। आई हैव नो डैम आइडिया वो एंड में कैसा रहेगा, नहीं लगेगा तो इस वीडियो में मेरी बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाइज। बट एनीवे गाइज, मुझे इसको फटाफट कंप्लीट करना है बिकॉज यू गाइज नो इट, इसमें और भी टाइम लगेगा। आप लोग को पता है मैं भी ढेर सारी डिटेल्स भी ऐड करने वाली हूँ। सो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं एंड And once that is done, okay guys, so first base almost हो चुका है complete, but इसमें थोड़े और elements हैं जो कि अभी मैंने बनाई नहीं है। So मैं इसी green color पे थोड़ा सा और blue color add करूंगी and इसका darker shade बनाऊंगी and then मैं फटाफट rough sketch complete करने के बाद थोड़ी और पत्तियों को add कर रही हूँ यार, जिससे कि ये एकदम ऐसे incomplete सा ना लगे। And you guys know me कि मैं incomplete चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। So फटाफट इसको भी paint करते हैं and इसको paint करना genuinely थोड़ा tricky है क्योंकि leaves की shape बड़ी अतरंगी ये बना रही हूँ यहाँ पे। गाइस सो दिस इज द अपडेट, मैंने बड़े तीन लीव्स कंप्लीट कर लिया है, बाकी का ये कर लिया। सो ये रहा अभी तक का अपडेट। आई एम सो टायर्ड, मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम नॉट रियली श्योर आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि नहीं, बट ऑफ कोर्स ये अभी फर्स्ट कोट है, इसमें सेकंड स्ट्रोक होगा, थर्ड स्ट्रोक होगा, उसके बाद जब डिटेल से पूरा भर जाएगा तभी जाके कंप्लीट होगी। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो मी हाउ मच आई लव डिटेल्स, ऑफ कोर्स मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ, शायद मैं सपने में भी इसे बैठ के कंप्लीट कर रही होंगी। I am so much into it right now. But anyway, अभी तक का प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बता दो एंड या दैट्स द अपडेट। नेक्स्ट डे आज मैं वापस से इसी वॉल पे लगने वाली हूँ। लास्ट डे मेरी इतनी मेहनत लगी है इस वॉल पे, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लिटिल सेंस में कंधा और पीठ टूट चुके थे। बट फाइनली यू गाइज नो मी, मैं इसे इनकम्प्लीट छोड़ नहीं सकती, मैं इसे डिटेल लेस छोड़ नहीं सकती। सो आज करने वाले हम ढेर सारी चीजें इसमें ऐड, जिसके लिए मैं इसी ब्लू कलर में थोड़ा सा और डार्क कलर ऐड करूंगी एंड उससे शेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। दो वॉल पे शेडिंग करना ऐसे थोड़ा क्रेजी आइडिया लग रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर मैं कर पाऊंगी कि नहीं। एंड गेस व्हाट, मेरे गूगल पे पिंटरेस्ट पे थोड़े आइडियाज भी नहीं सर्च करे, आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसा क्यों किया, बट एनीवे आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जैसे मैं कैनवस पे करती हूँ ना, लेट्स इमेजिन दैट
टुडे दिस वॉल इज अ कैनवस एंड वही सब मद्देनजर रखते हुए मैं इस पे थोड़ी शेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। बाय द वे गाइस, मुझे इतना इसे हैवी नहीं करना है डिटेल्स के साथ कि जब मैं इसके आगे बैठ के शूट करूँ तो मेरे पे नजरें ना जाए एंड पूरी वॉल ही अटेंशन ले जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा डार्कर शेड्स को यूज करना अवॉइड करूंगी। जैसे मैं एकदम ब्लैक कलर को यूज नहीं करूंगी। तो देखो, इन शॉर्ट ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध में जो कलर पसंद आता है मैं वो यहाँ पे अप्लाई करती जा रही हूँ, बिना दिमाग लगाए बस करती चली जा रही हूँ। थोड़ा बहुत मुझे ये देखना पड़ रहा है कि हाँ, जो बैकग्राउंड ऐसे घुल मिल जाए, बैकग्राउंड के साथ अच्छा लगे एंड उसके आगे अगर कोई इंसान बैठा हुआ लगे तो अच्छा लगे, मतलब एक सिनर्जी क्रिएट हो, एस्थेटिक लगे। तो उन्हीं एस्थेटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मैं करती चली जाऊंगी जब तक है जान। एंड लिटिल सेंस पे आप लोगों के लिए तो यार ये अभी 6 मिनट की वीडियो है, पर मेरे लिए 3 दिन गुजर चुके हैं, मैं अभी भी इसमें अपना वही खून पसीना एक कर करके इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। बट गाइस, बाप द बिल्ड करके दिखाएंगे, सो यस, इसे करके तो दिखाना ही पड़ेगा। एंड मैं ये बोलूंगी कि यार वीडियो को स्किप करके एकदम से फाइनल प्रोडक्ट मत देखना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो यार, मतलब कम ऑन। एनीवे यार, इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप लोगों ने मुझे बहुत ढेर सारे अमेजिंग सजेशंस एंड आइडियाज दिए थे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस आइडियाज। तो मैं आपको बताती हूं आप लोगों ने मुझे क्या क्या दिया था। काफी लोगों ने बोला था एनिमल इलस्ट्रेशन बनाओ, काफी लोगों ने बोला था कुत्ते बिल्ली बनाओ, काफी लोगों ने मुझे बोला था कि फ्लोरल पैटर्न्स बनाओ, काफी लोगों ने बोला फूड इलस्ट्रेशन बनाओ, काफी लोगों ने बोला अपनी जर्नी से रिलेटेड पेंटिंग बनाओ, काफी लोगों ने बोला सीनरीज बनाओ, एंड देन आई वाज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ओके गाइस, सो ये वाला पार्ट हो चुका है काफी हद तक कंप्लीट, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब मैं सोच रही हूं यहां पे थोड़े से व्हाइट कलर के फ्लावर्स ऐड कर दूं, जिससे थोड़ा और भी ज्यादा ऐसे डिटेल लगे एंड एस्थेटिक लगे। तो जल्दी से मैं 3 फूल बनाऊंगी बस, एंड उनमें डिटेल्स भी ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। हालांकि मैंने पहले, एज अ सेड यार, मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया हुआ, इसलिए मैं फ्लो के साथ ही जा रही हूँ। बट आई एम नॉट रियली श्योर क्या ये एंड में अच्छा लगेगा कि नहीं। Okay guys, so the update is I'm not liking this. I don't know why, but this is looking very yucky, ugly sa. पता नहीं मैं लाइफ में खुद का काम इतना क्यों बढ़ाती हूँ, मुझे वापस से करना पड़ेगा guys. और इसी के साथ हमें सीख मिलती है कि कभी कभी गो विद द फ्लो कितना भारी पड़ सकता है किसी को, देख लो यार खुद ही। बट एनीवे यार, मैं इसको भारी नहीं पड़ने दूंगी, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा हो चुकी है, इट्स ओके, बट वी विल फिगर इट आउट। सो मैं फ्लावर्स भी कुछ ऐसे ही बना रही हूँ जो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को कवर कर पाए, क्योंकि वापस से सेम शेड का पिंक कलर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट, मैं इसमें एक और पैच लगा दूंगी फ्लावर का, जिससे ये थोड़ा एस्थेटिक लगे, प्यारा सा लगे, कलरफुल सा लगे। सो यार, आई एम गोना स्टार्ट दैट। मैं वापस से डार्क पिंक कलर को अप्लाई कर रही हूँ एंड आई जस्ट होप यार ये अच्छा लगे, आई थिंक ये अच्छा ही लगेगा। सो यस, अब मैं इसकी भी डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। सबसे पहले तो देखो, मुझे प्रोसेस एकदम सेम फॉलो करना है। सबसे पहले मैं एक प्लेन पिंक कलर अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे डिटेल्स की तरफ जाती चली जाऊंगी, शेडिंग पे जाऊंगी, हाईलाइट्स पे जाऊंगी, एंड जैसे तैसे मैं इसे कंप्लीट करूंगी। ऑफकोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, ऐसे कलर के फ्लावर्स बनाऊंगी, ऐसे पैटर्न्स के फ्लावर्स बनाऊंगी, बट देख लो यार, अल्टीमेटली वी हैड टू गो विद द फ्लो, राइट? भाई जान निकल रही है कंप्लीट करने में, ये छोटी छोटी डिटेल्स में इतना टाइम लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। बट एनीवे, अभी तक तो मुझे काफी सही लग रहा है, लेट्स सी आगे होता क्या है यार। गाइज, पेंटिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इरेजर की हेल्प से वो जो एक्स्ट्रा पेंसिल की लाइंस है ना, वो सारी रब कर रही हूँ एंड वो बहुत इजीली रब हो रही है, आप खुद भी देख सकते हो। तो यस यार, आई एम सो हैप्पी फाइनली। आई डोंट इवन नो कितने वीक्स में, कितने डेज में, कितने आवर्स लगे मुझे इसे कंप्लीट करने, बट फाइनली दिस इज कंप्लीटेड। अब फटाफट अपने स्टूडियो को भी सेटअप करते हैं, बिकॉज अभी ये बहुत ज्यादा अधूरा लग रहा है मेरे बाकी के आर्टवर्क्स के बिना। जैसे मैंने ये एरिया भी सेटअप कर लिया है, आई हैव ट्राइड कि मैं इन्हीं सारे कलर्स से रिलेटेड पेंटिंग्स यहां पर And okay guys, so finally we are done with this challenge. सच बता रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा बनेगा। और आप लोगों ने बीच बीच में गूफ अप्स भी देखे मेरे, पहले मैं कुछ और सोच रही थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड देन मैंने वापस से पेंट कर दिया। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा ये मेक ओवर। Of course.
ऑफकोर्स अभी के लिए मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है स्टार्ट रूम को, बट इन फ्यूचर आप थोड़े और एस्थेटिक चेंजेस देखोगे, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग द कर्टन्स राइट नाउ. मैं वो सारी चीजें भी चेंज करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, एंड जल्दी से बिफोर एंड आफ्टर भी देख लो यार. Till then, take care, stay safe, bye-bye, and I love you guys very much. Bye.